मार्वल सिटी किशनगढ़ में भारतीय खाद्य निगम मंडल की कार्यशाला का हुआ आयोजन। मीडिया कार्यशाला का आज आयोजन किया गया, जिसमें एफसीआई की कार्यशैली की दी गई जानकारी। मंडल प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने दी जानकारी। खाद्यान्न की प्राप्ति, भंडारण, परीक्षण सहित ऑनलाइन सिस्टम की दी जानकारी। प्रधानमंत्री की कल्याणकारी अन्न वितरण योजना का बताया प्रोसेस। चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में भारतीय खाद्य निगम ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। बता दें, कार्यशाला में एफसीआई के अधिकारी व पत्रकार मौजूद रहे। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से 45 चावल की प्रक्रिया के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया गया। अधिकारियों ने बताया कि किस तरह एफसीआई किसान से सीधे गेहूं चावल खरीदते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं व अन्य एजेंसियों के जरिए भी स्टोरेज को रखा जाता है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार मदद करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना, पोषण युक्त गरीबों को दिए जाने वाले चावल के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने भारतीय खाद्य निगम क्या कार्य करती है, वर्ष 2020-21 और 22 में अंत्योदय योजना, प्राथमिकता घरेलू मध्यान्ह भोजन योजना के बारे में जानकारी दी। आगार का परीक्षण निरीक्षण, खाद्यान्न की प्राप्ति, भंडारण, निर्गमन संबंधी सभी प्रणालियों को डिपो में समझाया। जो भी एक्टिविटीज होती है एफसीआई की, उसका एक मीडिया कैंपेन जो यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिससे हम बता सके कि भारतीय खाद्य निगम मतलब किस प्रकार से जो है अपने कार्य संपादन करता है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद चौधरी है, मैं मंडल प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। ठीक सर, लोग ये फूड मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है जिसके तहत मीडिया कैंपेन चलाया है।